फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। आज जो है हम लोग आए हैं यहाँ पे बीच पे, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाया जाए, घुमाया जाए कि अमेरिका के बीच कैसे होते हैं। अभी लॉकडाउन के बाद जो है खुल गया है, ओपन हो गया लॉकडाउन और सब लोगों ने बाहर निकलना शुरू कर दिया है और काफ़ी गर्मी है, इसलिए हमने सोचा चलो बच्चे को भी फर्स्ट टाइम हम लोग बीच पे लेके आए हैं और इन्जॉय करेंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे जो है अपने सैंड टॉय लेके आते हैं, उससे बना के टॉय से खेलते हैं, मस्ती करते हैं सारा दिन यहाँ। और मोस्टली 4-5 घंटे या बहुत सारे लोग जो हैं अपना लंच वगैरह साथ में लेके आते हैं, एक पिकनिक जैसा भी बना के आराम से वहाँ पे इंजॉय करते हैं। देख सकते हैं यहाँ का पानी काफ़ी वार्म था, टेम्परेचर भी वार्म था। ये सब लोग सन बाथ लेते हुए, विटामिन डी जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। जब से हम लोग अमेरिका आए हैं, विटामिन डी की हम लोगों ने लास्ट ईयर ब्लड चेकअप करवाया था तो हमें डेफिशिएंसी हो गई थी, क्योंकि हम सारा दिन एसी में ही रहते हैं। तो अब ये अच्छा मौका मिला है, जब भी ऐसी धूप निकलती है तो सब लोग अपना बीच पे जाके विटामिन डी लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, चलिए देखिए हमारे साथ अमेरिका का बीच कैसा होता है, किस तरह से लोग यहाँ पे इंजॉय करते हैं। चलिए अब हम जाते हैं पानी की तरफ, आपको दिखाते हैं पानी। ये एक लेक है और इसका पानी एकदम मीठा होता है, खारा नहीं होता है समुंदर के जैसे। यहाँ पे जो है लोग अपने अपनी बीच चेयर लेके आते हैं, मैट लेके आते हैं और लंच या फिर स्नैक्स वगैरह सब लेके आते हैं बच्चों के लिए, टॉय, और सब मस्ती करते हैं। तो हम भी चलते हैं अब पानी में, आप देखेंगे कि आरव को उस दिन कितना अच्छा लगा था, उसने बहुत मस्ती करी पानी में। तो ये देखिए उसको थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा था पानी में, जैसे कि बच्चा पहली बार जाता है बच्चों को डर लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बहुत मस्ती कर रहा था और पानी में अंदर ही जाता जा रहा था। मेरे लिए भी आई थिंक सेकंड या थर्ड टाइम ही है बीच पे ऐसा जाके, तो मुझे भी पानी से थोड़ा डर लगता है, बट स्टिल हमने बहुत इंजॉय किया। आज भी मुझे लगता है आरव ने उस दिन बहुत मस्ती करी थी। हम लोग एक बार फिर से वहाँ पर जाना ज़रूर चाहेंगे। ये जो आप ग्रुप देख रहे हैं, ये सब लोग जो हैं यहाँ पे मोस्टली ग्रुप्स में आते हैं या फ्रेंड्स के साथ आते हैं, तो काफ़ी फन करने के लिए उनको और एंटरटेन के लिए अच्छा रहता है, उनको अच्छा लगता होगा ग्रुप में। आई थिंक हमें भी अच्छा लगता है, बट हम लोग जो है सोलो ही आए हैं। और ये देखिए अभी पानी में मस्ती करते हुए, मुझे स्विमिंग नहीं आती है। देखिए बच्चों ने लाइफ जैकेट पहनी हुई है, एक्चुअली हम बहुत जल्दबाजी में आ गए, लाइफ जैकेट भूल गए घर पर। अगर बच्चों ने लाइफ जैकेट पहनी होती तो सेफ्टी ज़्यादा रहती है, थोड़ा सा डर कम होता। अब इसको ठंडा लग गया, बाहर आया है। आप देखेंगे जो ये ऊपर खड़े हैं ये सब सेफ्टी गार्ड हैं, लाइफ सेफ्टी गार्ड। अगर कोई पानी में डूबने लगे या कुछ इंसिडेंट हो जाए तो वो लोग लाइक जंप करके तुरंत बचा लेते हैं। और दूसरा, उन्होंने एक स्पेसिफिक एरिया बनाया था जहाँ पे ज़्यादा गहराई नहीं है, उसी एरिया में हमें रहना था। तो वो बार बार अगर कोई गलती से वहाँ पे जा रहे थे या टीनेजर्स बच्चे जो हैं मानते नहीं हैं, वो जा रहे थे बार बार वहाँ पे, तो उनको बार बार वो लोग वॉर्न कर रहे थे कि उस एरिया में जाना नहीं है। इसीलिए ये जो बीच था ये पेड बीच था, यहाँ पे हमने पैसे पे किए थे पर पर्सन के हिसाब से और बच्चे के भी, बिकॉज वहाँ पे सेफ्टी इशू को रखा गया था ताकि लाइफ गार्ड, इसीलिए शायद पे करना पड़ता है। अदरवाइज अगर आप ओपन बीच पे जाएंगे वहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं होती। देखिए सब लोग मस्ती करते हुए यहाँ पे, बच्चे और आरव पापा के साथ स्विमिंग कर रहा है, कपल्स अपना एंजॉय कर रहे हैं ड्रिंक्स पानी के बीच में।
और देखो ये टीनेजर्स बच्चे जो थे ना, ये फुटबॉल खेल रहे थे पानी के अंदर, और इतना फन लग रहा था ना देख के कि हाँ लग रहा था ग्रुप में ही जाना चाहिए ऐसी जगह पे, लेकिन हमारे साथ कोई जाने वाला नहीं था तो हम अकेले ही गए थे। देखो कितना मस्ती से इन्होंने वहाँ पे एंजॉय किया है। अभी बाहर निकल के आ रहे हैं, पानी कितना क्लियर है, समुंदर का पानी क्लियर तो होता है बट इतना नहीं, थोड़ा नीला नीला सा ज़्यादा रहता है, ये बहुत क्लियर पानी था। और ये एक ओवरऑल लुक, इतना बड़ा बीच नहीं था बट काफ़ी भीड़ थी जिस हिसाब से। और ये देखिए आप, ये जो है ना हम लोग बचपन की यादें ताज़ा हो गई थी ये देख के, हम लोग सैंड पे ऐसे ही बनाते थे मंदिर बना के खेलते रहते थे। यहाँ पे ये कुछ पक्षी थे जो इनसे तो ओ माय गॉड, ये खाना लेके भाग जाते थे वहाँ से, बिल्कुल नहीं डर रहे थे इनके पास जाने से भी। देखो आरा फाइनली स्विमिंग सीख गया, दो तीन मिनट तक इसने वोमिटिंग, दो तीन बार पानी लेके पी गया था और उसने वोमिटिंग भी किया वहाँ पे, बट बाद में जो उसको मुंह बंद करना आ गया था और काफ़ी मस्ती करी, भाग रहा था काफ़ी अंदर तक वो जा रहा था, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था, मनोज के साथ में जाने दे रही थी। देखो पानी में मेरे पास ही आके बैठ जा रहा है, उसे बिल्कुल भी बाहर आने का मन नहीं था। आज का बहुत हुआ पानी में मस्ती, और अब हम चलते हैं घर की तरफ। आ गए हैं हम लोग वहाँ से बाहर, ये देखिए यहाँ पे बहुत ही ग्रीनरी थी और लोग जो है साइकिल पे जा रहे थे, कुछ लोग वॉक कर रहे थे, कुछ पिकनिक मना रहे थे पार्क में ही बैठ के। काफ़ी सुंदर व्यू था वहाँ का, बाहर का भी, अंदर तो था ही था और बाहर भी, और इतने लग्जरी लग्जरी हाउस थे वहाँ पे। अब हम थक चुके हैं काफ़ी, आरब भी काफ़ी टायर्ड हो गए हैं, और उसने जब हम निकले वहाँ से तो बहुत रोया था, अभी थोड़ा कंट्रोल में है। एंड चलिए अब हम जाते हैं और गाड़ी में जाके बैठेंगे और निकलते हैं घर जाने के लिए। ये देखिए पापा अपने दो बच्चों को साइकिल पे लेके जा रहे हैं पीछे, और यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी पार्क करी थी, और एक साइड में जो है लोग पिकनिक कर रहे हैं, वो भी मैंने सोचा आप लोगों को दिखा लिया जाए, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को लोग पिकनिक कर रहे हैं किस तरह से, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत जगह है नेचर के बीच में, नेचर के बीच में आके तो एकदम बहुत ही अच्छा लगता है ना सब लोग को देख के। ग्रीनरी हैं, बर्ड्स हैं, काफ़ी दिन बाद एक्चुअली लॉकडाउन के बाद काफ़ी लंबा टाइम हो गया था घर पे बैठे बैठे, हम लोग जब बाहर निकले हैं तो अच्छा ही लग रहा है सब कुछ देख के, है ना। कितना डार्क है, एकदम डार्क शेडोज़ है, बीच पे जाने के बाद लोग यहाँ पे बैठ के बारबेक्यू कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बट हम लोगों को जो है अभी निकलना होगा, हम लोग पहुँच गए हैं पार्किंग में। और एक चीज़ आप देख सकते हैं, साइड में एक हाउस दिख रहा है, ऐसे ऐसे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े घर हैं, मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा ही देखना, ठीक है ना। मैं उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे घर मैंने आते हुए देखे थे, सोचा मैंने जाते हुए मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। चलिए अब निकलते हैं घर के लिए। और ये जो वॉकिंग पार्क है यहीं पे साइड में आप देख रहे होंगे ना, कॉर्नर पे येलो कलर का एक घर है, ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा था। आई हैव अ ड्रीम लाइक ऐसा ही हाउस हमारा भी हो कभी, पता नहीं ये ड्रीम कब होगा ट्रू। तो ये हाउसेज हैं जो काफ़ी अच्छे अच्छे थे, आप भी देख लेना। और चलिए अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, और प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।